ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने जलमार्ग को डेवलप करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 5% सेस लगाने का प्रस्ताव रखा है। गडकरी के मुताबिक उन्होंने सेस लगाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। गडकरी ने यह भी कहा कि जलमार्गों को डेवलप करने के लिए उनके मंत्रालय के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। साथ ही ट्रांसपोर्ट मंत्री ने पुरानी कारों को कबाड़ में भेजने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की बात भी कही है। कबाड़ कारों में इस्तेमाल किए गए मेटल और प्लास्टिक को ऑटो स्पेयर पार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इससे कारें सस्ती हो सकेंगी। सरकार पैकेज्ड फूड आइटम्स के लिए नियमों में फेरबदल करने पर विचार कर रही है। सरकार 2011 के कमोडिटी पैकेजिंग नियमों को बदलने की योजना बना रही है। नियम बदलने के बाद पैकेज्ड फूड आइटम्स पर दी गई जानकारी को बढ़े अक्षरों में पढ़ने लायक बनाया जाएगा। इसके अलावा कंज्यूमर्स को नकली प्रोडक्ट से बचाने के लिए बारकोड सिस्टम भी लागू किया जाएगा। लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011 में बदलाव के लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय कई राउंड की बातचीत कर चुका है। यहां तक कि इंडस्ट्री और आम लोगों ने भी इन नियमों में बदलाव की मांग की है। फिलहाल भारत में बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर दी गई जानकारी के लिए फॉन्ट साइज 1 मिलीमीटर से कम होता है, जबकि अमेरिका में ये 1.6 मिलीमीटर होता है। अब सरकार इसे 200 ग्राम पैक के लिए 1.5 मिलीमीटर करने पर विचार कर रही है। काले धन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नकद लेन देन का दायरा करने का फैसला किया है। इसके तहत 3 लाख रुपए से अधिक की रकम के नकद लेन देन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित SIT की सिफारिशों पर यह कार्रवाई की जाएगी। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक इंडस्ट्री और ट्रेड सेक्टर के भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार को SIT के एक और सुझाव पर फैसला करना बाकी है। इस सुझाव में निजी तौर पर 15 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी रखने पर भी पाबंदी लगाने की बात कही गई है। 3 लाख रुपए की ऊपरी सीमा तय करने का मकसद क्रेडिट या डेबिट कार्ड और चेक या ड्राफ्ट के जरिए लेन देन सुनिश्चित करना है, जिससे कि लेन देन का आसानी से पता लगाया जा सके। काले धन के खिलाफ मोदी सरकार के अभियान के लगातार जारी रहने के बावजूद अथॉरिटीज ने ज्वेलरी और कार खरीदने के दौरान नकदी लेन देन के कई गैरकानूनी मामले पकड़े। देश को एक समान टैक्स के दायरे में लाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते दिख रहे हैं। देश में बिहार, असम और दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी GST बिल पर मुहर लग गई है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल विधानसभा में आज सर्वसम्मति से GST संविधान संशोधन बिल पास हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा की विशेष बैठक में वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल ने GST बिल को सदन के पटल पर रखा। बिल पर हुई तकरीबन 6.5 घंटे की चर्चा के बाद नेता प्रतिपक्ष TS सिंह देव समेत सभी विधायक सहमत दिखे। विधायकों की सर्वसम्मति के बाद GST बिल पास हो गया। वहीं हिमाचल विधानसभा में भी GST संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद CM वीरभद्र सिंह ने कहा कि बिल के लागू होने से राज्य पर बोझ कम पड़ेगा। लोकसभा में एडमिट किया गया जो है वो पूर्व कांग्रेस केंद्रीय कांग्रेस सरकार ने पेश किया था, वो सभी बेहतर होती रही। और मुझे खुशी है जो उसका विरोध कर रहे थे आज उसके पक्ष में है, उन्होंने इस बिल को पारित किया। और कांग्रेस पार्टी ने जब बहस हुई थी कुछ मुद्दे रखे थे मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए गौरवशाली क्षण है और ये विशेष सत्र बुला के संविधान संशोधन GST के ऊपर और आम सहमति से पूरे छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने सर्वसम्मति से इसको मंजूर किया। जम्मू कश्मीर के विपक्षी नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कश्मीर के हालात पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों के एक दल ने PM मोदी से मुलाकात की। इस डेलीगेशन ने PM को एक ज्ञापन भी सौंपा और सूबे में पैलेट गन यानी छर्रे वाली बंदूक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। वहीं उमर अब्दुल्ला ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK पर गोलमोल जवाब दिया। इससे पहले इस दल ने कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की थी। आपको बताएं कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में तनाव के हालात बरकरार हैं। कश्मीर में आज 46वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। कश्मीर हिंसा में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 6000 के करीब लोग घायल हुए। हमने इस बात पर जोर दिया कि
जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो एक सियासी मसला है, वक्तन फवक्तन इस तरह के हालात बन जाते हैं, लेकिन अगर सियासी तौर इनका हल खोज के निकाला नहीं जाता तो बार बार हमसे यही गलती होगी, यही छूट होगी। वजीर आजम साहब ने भी अपनी जगह इस चीज को तस्लीम किया है कि सिर्फ डेवलपमेंट में ही इन मसलों का हल नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने आतंकियों के छिपने के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। सूचना के आधार पर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया और आतंकवादियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। यहां के जंगलों में मौजूद आतंकियों के इस ठिकाने से सेना ने कई मोर्टार, 25 मोर्टार बम, 10 ग्रेनेड, 2 AK-47 मैगजीन, 60 राउंड मैगजीन और एक वायरलेस सेट बरामद किया है। सेना के मुताबिक सूबे में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए इन हथियारों को छुपाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफगानिस्तान के काबुल में एक स्टोर पैलेस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से बात की। पीएम ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, साथ ही कहा कि भारत के 125 करोड़ लोग हमेशा अफगानिस्तान के साथ हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यह कहा कि समय के साथ भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती और मजबूत हो रही है। पीएम ने जिस स्टोर पैलेस का उद्घाटन किया वो काबुल के हिल टॉप में है। पैलेस को फिर से बनाया गया है। स्टूर पैलेस 1920 में अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह खान ने बनवाया था। मशहूर स्टूर पैलेस को दारुल अमन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। स्टूर पैलेस का इस्तेमाल पहले अफगानिस्तान की संसद के तौर पर किया जाना था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इसी साल भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आपसी भागीदारी में एक मील का पत्थर है। आने वाले दिनों में रिलायंस जियो और अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच लड़ाई और तेज हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने 40,000 से ज्यादा कर्मचारियों से कहा है कि वो अन्य ऑपरेटर्स की सर्विस इस्तेमाल करना बंद करें। इसके बजाय कंपनी कर्मचारियों के कॉरपोरेट कनेक्शन के तहत मोबाइल नंबर को रिलायंस जियो के 4G नेटवर्क पर स्विच कर रही है। RIL के HR डिपार्टमेंट ने कर्मचारियों को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। कंपनी ने कर्मचारियों को नंबर स्विच करने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। आपको बताएं कि रिलायंस जियो और अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन को लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल RIL, एयरटेल, वोडाफोन सहित अन्य ऑपरेटर्स के कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शन इस्तेमाल करती है। रियो ओलंपिक में हुए एक वाक्य ने देश का सिर शर्म से झुका दिया है। यहां महिला मैराथन रेस के दौरान भारतीय एथलीट OP जैशा और चुंगर कविता को पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हुआ। भारतीय एथलीट प्यासी दौड़ती रहीं। 42.1 किलोमीटर लंबी दौड़ बिना पानी के पूरी करने के बाद एथलीट OP जैशा बेहोश होकर गिर गईं और करीब 2 घंटे तक बेहोश रहीं। आरोप है कि रेस के दौरान भारतीय दल की डेस्क पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। इसके चलते भारतीय एथलीट OP जैशा और चुंगर कविता को पीने को पानी नहीं मिल पाया। इस रेस में जैशा 89वें और कविता 120वें पायदान पर। हर मैराथन में कोई भी मैराथन, अगर लोकल मैराथन भी रखिएगा, 42 किलोमीटर तो खाना पानी सब कुछ रख दिया। मीन्स खाना मीन्स बिस्किट और ऑरेंज और बनाना, ये क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 35 किलोमीटर के बाद में और नहीं तो 32 किलोमीटर के बाद में बॉडी के अंदर हर चीज़ मीन्स नमक और इलेक्ट्रोल ग्लूकोज सब कुछ बॉडी के अंदर का हर चीज़ खत्म हो जाता है। बट इधर में ऐसा था कुछ भी नहीं है, ना टेक्निकल उधर का ऑफिशियल्स रखा ना हमारा ऑफिशियल्स रखा उधर में। इसलिए ओनली वाटर 8 किलोमीटर में एक ही बार वाटर था। और वर्ल्ड में कितना भी उधर में कंट्री बहुत था, सबका उसमें स्पेशल फूड था एथलीट के लिए। और इधर में हमारा बॉर्डर बस उधर में खाली था, उसमें कोई है ही नहीं था। पता नहीं लोग क्या सोचा, किस वजह से रखा नहीं है। हम लोग भाग रहे, इंडिया का एक फ्लैग बस उधर में नहीं दिख रहा था। हर कंट्री का फ्लैग रह के कोई एथलीट मीन्स हमको कितना भी हम थक गया, अपना फ्लैग देखने में तो बहुत पावर मिलता है। मैं अपना लाइफ में मेरे भगवान में मैं कितना प्यार करती हूँ, उतना प्यार मैं अपने फ्लैग के ऊपर करती हूँ। रियो ओलंपिक में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले चैंपियंस का वतन वापस लौटने पर जमकर स्वागत किया गया।
बैडमिंटन सिंगल्स मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु जब अपने शहर हैदराबाद पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार वेलकम हुआ। इस मौके पर उनके पिता पीवी रमन्ना, मां विजया और कोच पुलेला गोपीचंद के साथ हजारों लोग मौजूद थे। विक्ट्री जुलूस के साथ वो गच्ची बावली स्टेडियम पहुंची जहां तेलंगाना सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं ओलंपिक के जिम्नास्टिक मुकाबले में चौथे नंबर पर रहीं दीपा कर्माकर जब अगरतला पहुंची तो उनके स्वागत में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दीपा की हौसला अफजाई के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। अगरतला में दीपा और उनके कोच विशेश्वर नंदी का भव्य स्वागत किया गया। दीपा ओपन जीप में सवार होकर स्वागत रैली में शामिल हुई। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले पीवी सिंधु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक और ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली दीपा कर्माकर के साथ साथ जीतू राय को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। इनमें अजिंक्य रहाणे, ललिता बाबर, शिवा थापा, अपूर्वी चंदेला शामिल हैं। साक्षी मलिक को राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद उनकी मां सुदेश मलिक ने खुशी जताई। तो तीन लड़कियों को जो ये राजीव गांधी खेल रत्न दिया ये बहुत ही अच्छी पहल की है और इससे हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ये सोचा था कि हमारी बेटी है साक्षी मलिक की ओलंपिक में जाएगी, पर ये नहीं था कि इतना जल्दी राजीव खेल रत्न को प्राप्त हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, इससे बहुत ही एक अच्छा संदेश है हमारे देश में। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आज एक बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक ने पार्टी छोड़ दी। ब्रजेश पाठक आज दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी को बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सूबे में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। पाठक ने कहा कि यूपी में सर्व समाज की उपेक्षा हो रही है और वो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए सब कुछ करेंगे। ब्रजेश पाठक बीएसपी से उन्नाव के सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा बीएसपी की ओर से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ब्रजेश पाठक को बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बेहद करीबी माना जाता था। आज परिस्थितियां बदलने के लिए माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक सशक्त टीम है और मैं उस टीम का हिस्सा बन करके गाँव गली में घूम करके गाँव गाँव घर घर जा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनाने के लिए हर प्रयत्न करने का काम। उत्तर प्रदेश के अंदर ये हमें महसूस हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है तो केवल डेवलपमेंट और विकास के नारे पर ही हम उसको बचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को जो हिंदुस्तान का लगभग पांचवा हिस्सा है उसको बचाने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम अखिलेश यादव पर केंद्र की तरफ से दी जा रही सहायता को जनता तक नहीं पहुंचने देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी की योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य का यह भी कहना है कि बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी दलों में भगदड़ मची हुई है। प्रदेश की सरकार संवेदनहीन हो गई है। विदाई के अवसर पर वह केवल इस तैयारी में लगे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश को लूट लिया जाए। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे प्रोजेक्ट बहुत गलत समय पर इस सरकार ने शुरू किए जो बाढ़ में बह गए और बड़ा भ्रष्टाचार उसके अंदर हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाएं। केंद्र सरकार की संपूर्ण सहायता प्रदेश सरकार को उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध सहायता का भी बाढ़ पीड़ितों के लिए सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। बीजेपी यूपी में कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाने की कवायद में जुटी है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। बीजेपी 24 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेगी। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में होने वाले इस घेराव में पार्टी के सांसद, विधायक और आसपास के 8 जिलों के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूं कि अपने को अखिलेश यादव कहे थे कि ट्रेनिंग में ले रहा हूं, आगे की सरकार मिलेगी। यदि अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो माननीय नेताजी उनको ऐसा ट्रक पकड़ा दिए हैं जैसे हाईवे, नेशनल हाईवे पर बिना लाइसेंस का रौदते हुए निकल जा रहे हैं। चैन स्नेचिंग हो रहा है,
भ्रष्टाचार हो रहा है, सफाई गुंडे जमीन कब्जा कर रहे हैं, पुलिस को पीट रहे हैं, यानी एक तरह का डकैती डाल रहे हैं। सपा बसपा मिलकर पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य के नेतृत्व में घेराव करेंगे और जबरदस्त संघर्ष मेरा होगा, नहीं तो अखिलेश यादव यदि सरकार नहीं चला पा रहे तो रिजाइन करें। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, महासचिव रामगोपाल यादव और यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने हिस्सा लिया। बाद में बैठक में सीएम अखिलेश यादव भी पहुंचे। बैठक के बाद जानकारी देते हुए रामगोपाल यादव ने यह कहा कि बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। चुनाव को लेकर जब राजनीति में है, चुनाव और चुनाव आने वाले, चुनाव को लेकर तो चर्चा होगी। सर ये क्या कभी और चाहिए कि दावा में जो निगम है उसके भ्रष्टाचार को लेकर मुलायम सिंह यादव ने पत्र लिखा है, उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजम खान को पत्र लिखा गया, कौन सा निगम? नगर निगम में सर, नगर निगम इलाहाबाद में है ही नहीं। अरे नगर पालिका सर, वो नगर पालिका तो बहुत अच्छा काम कर रही है सर, वहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर मुलायम सिंह यादव, कोई भ्रष्टाचार नहीं, उसको यहाँ से कोई पैसा ही नहीं दिया गया आज 4 साल में। वो गलत सूचना होगी आपको, शिवपाल की कोई नाराजगी नहीं सर, मेरे आपके कहाँ से पड़ दी है नाराजगी? कभी देखा नाराज होते मुझे या उनने मेरे खिलाफ कोई बात कही उन्होंने या मैंने उनके खिलाफ? तो ये बातें मत फैलाया करो, हम जानते हैं कि लोगों की क्या क्या मानसिकता है, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। कब्जा बीजेपी वाले और बीएसपी वाले करते थे, उनको सब ठीक कर दिया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों ने एक महिला से करीब 65 लाख रुपए के सोने के बिस्किट बरामद किए। ये बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान महिला के लगेज से कस्टम के अधिकारियों को 64,38,960 रुपए के सोने के बिस्किट बरामद हुए। महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला इस सोने को कहां डिलीवर करने वाली थी। फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पहली बार यात्रा के पारंपरिक रूप से अलग एक नया रास्ता तैयार किया। 7 किलोमीटर लंबा यह रास्ता बालिनी ब्रिज से अर्धकुमारी को जोड़ेगा। चेक पॉइंट और शेड का काम पूरा होते ही इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। कटरा से भवन तक सड़क और सुविधाएं जुटाने का जिम्मा श्राइन बोर्ड का ही है। मौजूदा रास्ता बाणगंगा से अर्धकुमारी जाता है, वहां से दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता हाथी मत्था से भवन तक जाता है, यहां खड़ी चढ़ाई है, जबकि दूसरा रूट हिमकोटी के रास्ते भवन तक का है, यहां बैटरी कार भी चलती है। नया रास्ता बालिनी ब्रिज से ताराकोट गांव होते हुए अर्धकुमारी पहुंचेगा। इसी रास्ते से हिमकोटी होते हुए भवन तक जाया जा सकता है। हालांकि नए रास्ते पर घोड़े और पालकी वालों को जाने की इजाजत नहीं होगी। सबसे खास बात यह होगी कि रूट शुरू होने के बाद यात्री बाणगंगा से अर्धकुमारी और हाथी मत्था की खड़ी और कठिन चढ़ाई से बच जाएंगे। साल 2002 में गुजरात हिंसा के दौरान लोगों को हथियार सप्लाई करने और दहशत फैलाने के आरोप में 13 साल बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से इन दोनों आरोपियों को पकड़ा। अब्दुल रजाक शेख और मोहम्मद शकील शेख ने यहां कई लोगों को 10 बंदूकें और 1,000 कारतूस सप्लाई की थी। गुजरात में दहशत फैलाने के इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 56 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये दोनों आरोपी बुरहानपुर हाईवे पर एक पेट्रोल पंप पर मिलने वाले हैं। तो ये हमारे ऑफिसरों की टीम ने वहाँ पे वॉच रखी हुई थी, जैसे ही दो बंदे मिले उनको पकड़ लिया और पूछपरछ की तो उन्होंने ये बताया कि 2002 में गोधरा कांड हुआ था, उसमें मुस्लिमों को जो भी नुकसान हुआ था उसका बदला लेने के लिए ये लोगों ने अहमदाबाद में टोडरमल शाह की एक पोल है, वहाँ पे एक महमूद सैयद करके आदमी रहता है, उसके थ्रू ये लोगों ने अहमदाबाद दरियापुर डबगरवाड़ में एक तारिक करके आदमी रहता है, उसको 10 हथियार और काफ़ी मात्रा में गोला बारूद और कारतूस दिए हुए थे। उत्तर प्रदेश के बागपत में किसान की चाहत 21 साल बाद पूरी हुई है। बागपत के सुनेड़ा गांव के किसान नरेश ने खेत में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने के लिए 7 महीने पहले पीएमओ को चिट्ठी लिखी थी। नरेश का पत्र मिलने के बाद पीएमओ ने इस किसान की चिट्ठी पर एक्शन लिया और अधिकारियों को नरेश के खेत में सोलर पंप लगाने का निर्देश दिया है। दरअसल किसान परिवार के पास 10 बीघा खेती की जमीन है, लेकिन सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण उनकी फसल बर्बाद
हो रही थी और बारिश पर ही केवल निर्भर रहती है। नरेश ने 1995 में नलकूप चलाने को ऊर्जा निगम में बिजली का कनेक्शन देने का आवेदन किया था, लेकिन उसे आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। 7 महीने पहले नरेश ने पीएमओ को सोलर वाटर पंप लगाने के लिए चिट्ठी लिखी थी और अब पीएमओ के आदेश के बाद नरेश के खेत पर सोलर वाटर पंप लगाने की उम्मीद जगी। हम ये कहेंगे मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन थोड़ा पहले हो जाता तो हम ज़्यादा खुश होते। अब काफ़ी परेशान हैं हम, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद करते हैं। सिंचाई के लिए सोलर पंप सेट लगवाना चाहता होगा तो उसने अपना प्रार्थना पत्र जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा हुआ है, वहाँ से हम लोगों को प्रदेश सरकार के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हमने इसको DD एग्रीकल्चर को भेज दिया है। हमारे यहाँ जो सोलर पंप सेट की स्कीम है वो प्रथम आगत और प्रथम पावत के आधार पर है, उसका हम लोगों ने इंदराज कर दिया है प्रायोरिटी लिस्ट में और जैसे उसका नंबर आएगा तो हम लोग उसको सोलर पंप सेट उपलब्ध करा देंगे। कानपुर में जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस को महंगा पड़ गया। विरोध में बड़ी संख्या में नाराज लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया और पुलिस पर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी भी करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को लोगों पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और देखते ही देखते मौके पर तनाव के हालात बन गए। पंजाब के संगरूर जिले के मलेरकोटला में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां एक पेपर मिल में बॉयलर फटने से 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी 21 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पेपर मिल में रोजाना की तरह काम चल रहा था और इसी दौरान अचानक बॉयलर के फटने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते चीख पुकार मचने लगे। तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना खतरनाक रहा होगा। बॉयलर के फटने से पेपर मिल में चारों तरफ पेपर बिखर गए। हादसे के बाद पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। क्या हुआ वहाँ? स्टीम की लाइन फटी है बस। कितने लोग थे वहाँ पे? होंगे 40-50 आदमी। बस थोड़ा सा गर्म पानी गिरा जो थोड़ा कोई ज़्यादा जले हैं कुछ कम जले हैं ऐसे। बॉयलर था ये? नहीं बॉयलर नहीं होता, ट्रायल था, MG ट्रायल, वो फटा स्टीम से। कितने लोग थे वहाँ पे उस टाइम? क्या वहाँ पे 30-35 आदमी थे। कितने घायल हुए, कहाँ पे चोटें हैं? पता नहीं कितने घायल, चोट तो काफ़ी आई है। राजस्थान के जोधपुर में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। जानकारी के मुताबिक शहर के CHB में मौजूद 5वीं पुलिया रोड पर 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। जिस वक्त मकान गिरा उस समय मकान के पिछले हिस्से में पूरा परिवार सो रहा था। हालांकि मकान का अगला हिस्सा गिरा, इसीलिए संयोग अच्छा रहा कि सभी लोग बच गए। हादसे में नीचे खड़ी 2 बाइक और 1 स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बाढ़ का कहर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा उज्जैन में भी देखने को मिला है, जहां एक बरसाती नाले में यात्री बस पलट गई। हादसे के वक्त बस में 20 लोग सवार थे। यह हादसा मोकड़ी गांव में हुआ। जानकारी के मुताबिक बस ड्राइवर पानी के तेज बहाव को भांप नहीं सका और नाले में बस को उतारने की कोशिश करने लगा। नाले में पानी के तेज बहाव के चलते बैलेंस बिगड़ गया और बस पानी में पलट गई। हालांकि आसपास के गांव वालों की मदद से बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल उज्जैन में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। रेनॉल्ट ने अपनी छोटी कार क्विड का नया वर्जन बाजार में उतार दिया है। नई क्विड में 1 लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 3,95,000 रुपए है। अमेरिका के जंगलों में फैलती बेकाबू आग से कैलिफोर्निया शहर जल रहा है। अल्टा सियरा इलाके में आग ने 14,000 एकड़ के जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। आग की वजह से प्रशासन ने कई सड़कों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले पीवी सिंधु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक और ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले दीपक कर्माकर के साथ साथ जीतू राय को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चीन में 50 किलोग्राम के अंडरवाटर अनमैन्ड
व्हीकल का टेस्ट किया गया है। इसकी मदद से पानी के नीचे की सतह को स्कैन किया जा सकता है, साथ ही निगरानी के काम को भी अंजाम दिया जा सकता है।